बार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है केएमसी हेल्थ सिटी एंड केएमसी कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। मेरठ के अहमदनगर निवासी 22 वर्षीय इमरान की कोरोना से मौत हो गई। यह कोरोना काल में एक सामान्य मृत्यु कही जा सकती है, लेकिन यदि मौत असंवेदनशील सिस्टम के चलते हुई हो तो सवाल खड़ा होना लाजमी है। 4 दिन पहले मौत हो गई, लेकिन कोई कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। परिजनों तक सूचना नहीं है कि उनकी औलाद जिंदा है अथवा नहीं। अब परिजन उसके शव का इंतजार देख रहे हैं। 4 दिन से शव मोर्चरी में रखा परिजनों का इंतजार कर रहा है। इस अव्यवस्था पर मेरठ शहर विधायक रफीक अंसारी ने आज तमाम सवाल खड़े कर दिए। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं रफीक अंसारी, विधायक, मेरठ शहर से विधायक हूं। मैं एक जानकारी दे रहा हूं वीडियो के माध्यम से। 30 अप्रैल को इमरान नाम का नौजवान अहमदनगर गली नंबर 15, 22 साल का, ये मेडिकल कॉलेज में एडमिट हुआ। उसको पॉजिटिव आया कोरोना और उसको रेफर 1 मई को कर दिया गया 2 बजे, और 2 बजे से वो रात तक वहाँ परेशान रहे। एडमिट वहाँ दिल्ली में किसी हॉस्पिटल में नहीं हुआ। वहाँ के परिजनों का मेरे पास फोन आया। उसके परिजनों ने कहा कि अब इसको हम कहाँ ले जाएं, घर ले जाएं तो सब कोरोना हो जाएगा। मेडिकल वालों ने रेफ़र कर दिया इसको, अब हम कहाँ ले जाएं इसको। तो उसको वापस ला रहे थे। रात के 12:30 बजे मैंने CMO को फ़ोन किया, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को फ़ोन किया मैंने कि इमरान नाम का मरीज वहाँ एडमिट नहीं हुआ जो आपने रेफ़र किया है। उन्होंने बराबर उसको फिर फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि उसको जहाँ पर है वहीं रोक दो। वो एक जंगल में रुक गए गाड़ी को। मैंने गाड़ी ड्राइवर का नंबर मांगा प्रिंसिपल साहब ने मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने फ़ोन किया उसको और फिर वापस दिल्ली ले गए। रात के 2 बजे करीब वो लोक नारायण हॉस्पिटल में वो भर्ती हुआ, LJB में, जो इन्होंने हमको मैसेज किया प्रिंसिपल साहब ने। उसके बाद से उसकी कोई जानकारी उस मरीज की नहीं किसी को दी गई। उसके परिजन बहुत परेशान थे, घर वाले बहुत परेशान थे। मेरे पास कई बार फोन आया, कई बार लोग आए, तो मैंने यहाँ के प्रशासन से ही बात की, यहाँ के कल प्रमुख सचिव से ही बात की। प्रमुख सचिव आए थे उत्तर प्रदेश से, जो यहाँ के प्रभारी हैं। DM साहब को लिखकर भी दिया, CMO साहब से पर्सनली मिलने भी गया मैं, और प्रिंसिपल साहब से भी मैंने मेडिकल कॉलेज के बात की कि इस मरीज़ की कोई जानकारी नहीं मिल रही है। अगर जानकारी मिल रही है तो अधिकृत जानकारी नहीं है हमारे पास। उसको ये जानकारी मिल रही है कि उसकी वहाँ डेथ हो गई है, लेकिन उन्होंने ना तो परिजनों को दिल्ली वालों ने बताया, ना यहाँ के मेडिकल कॉलेज वालों ने गरीब परिजनों को बताया, ना CMO ने बताया। तो आज उसके परिजन बड़ी मुश्किल में दिल्ली गए, तो वहाँ जाने के बाद पता लगा उस हॉस्पिटल में कि बराबर थाने में जाकर उसकी जानकारी करी। थाने में ये पता लगा कि उसकी 10 तारीख में डेथ हो गई, और 10 तारीख में डेथ होने के बाद वो मोर्चरी में उसकी डेड बॉडी रखी है। आज उसकी डेड बॉडी नहीं मिल रही, 14 तारीख हो गई देखिए, और 10 तारीख से उसके परिजन धक्के खा रहे हैं, परेशान फिर रहे हैं, रो रहे हैं, झीक रहे हैं कि ना जिंदा मिल रहा, ना मुर्दा मिल रहा, ना परेशान, ना उसको कोई बताने वाला है कि उनका नौजवान इमरान, नौजवान उनकी माँ और बाप रो रहे हैं कि उनका इमरान कहाँ है। तो बड़े दुख की बात है। मेरी आपसे दरख्वास्त है, आपसे अनुरोध है कि इसको शेयर करिए और इसको सरकारों तक ये बात पहुँचाइए, उत्तर प्रदेश सरकार तक ये बात पहुँचे, दिल्ली सरकार तक ये बात पहुँचे, देश की सरकार तक पहुँचे। मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।